We'll be right back.
मेरा सभी को नमस्कार। मैं सोनाली अरोरा डायरेक्टर हूँ सेलिब्रिटी मिस मिस्टर एंड मिसेज इंडिया की, और रिसेंटली मैंने भी एक विनर टाइटल विन किया है जिसका नाम था करिश्मा मिसेज इंडिया। और आज मैं यहाँ प्रेस रिलीज के लिए प्रेजेंट हूँ। मेरे साथ मेरी टीम है, कोऑर्डिनेटर्स है, डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है एंड एक्टर्स भी है, एंड रिसेंटली क्राउन विनर्स भी यहाँ पे मेरे साथ बैठे हुए हैं। एसोसिएशन ऑफ वेलफेयर के सेक्रेटरी पर्सन इज़ देयर, वाइस प्रेसिडेंट इज़ देयर, थाने से हर्षुल इज़ देयर, ही इज़ अ कोऑर्डिनेटर, सनी सर इज़ देयर, और रिसेंटली वॉन पेजेंट विनर इज़ देयर, वन ऑफ माई फ्रेंड शी इज़ ऑल्सो क्राउन होल्डर, एक्टर इज़ देयर एंड अगेन द सेक्रेटरी इज़ देयर। व्हाट इज़ दिस एग्जैक्टली पेजेंट, है क्या इसमें, आप क्या क्या करने वाले? यस, एक ब्यूटी पेजेंट इसीलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि कंटेस्टेंट्स को एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म मिल सके, ताकि वो अपना पोटेंशियल, अपना कैलिबर परफॉर्म कर सके और सोसाइटी के लिए एक अच्छा इंस्पिरेशन मॉडल बन सके, और साथ ही साथ वो मॉडलिंग और इंडस्ट्री लेन में, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन बना सके। आप नॉर्मली आमतौर पर देखा जाता है कि या तो मिस इंडिया या मिसेस इंडिया या मिस्टर इंडिया, इस तरह के अलग अलग प्रोग्राम आयोजित होते हैं, आप में तीनों चीज़ें नजर आ रही हैं, मिस, मिसेस और मिस्टर, ये तीनों को एक कंबाइन करने का क्या मकसद था? मिस, मिस्टर और मिसेस को कंबाइन करने के पीछे रीज़न ये था कि अलग अलग पेजेंट करने, अलग अलग कैटेगरीज़ को कंडक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने सोचा कि तीनों को एक साथ ज्वाइन करके, एसोसिएट करके इस चीज़ को लाइन अप करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। एक ही प्लेटफॉर्म पे तीन कैटेगरी नज़र आएगी, मिस, मिस्टर और मिसेस की, और मिसेस में भी दो कैटेगरी रहने वाली है, जैसे कि कोई किसी किसी का पॉसिबल होता है एग्जैक्ट डेट पे ऑडिशन पे आना, किसी का नहीं होता है, सो दे कैन कम एंड रजिस्टर्ड ऑडिशन के दिन पे भी, या फिर आप वो लोग हमें लाइव ऑडिशन भी दे सकते हैं। आप अपने साथ में आपके बैठे हुए मैं से पूछूंगा, सर आप बताइए आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हेलो फ्रेंड्स, मैं सनी अग्रवाल, ड्रीमबर्ड्स एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस है मेरा, और पिछले 13 इयर्स से फैशन एंड फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, और सोनाली एक बहुत अच्छा सोशल कॉज के लिए एक ब्यूटी पेजेंट कर रही है, और पैन इंडिया लेवल पे इसके ऑडिशंस हो गए। यूजुअली ब्यूटी पेजेंट्स में सबको ईजिली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, पर सोनाली विदाउट चार्जिंग एनी फीस वो कंटेस्टेंट्स लोगों को यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रही है। इतने अच्छा ब्यूटी प्रेजेंट हो रहा है पैन इंडिया लेवल पे, सेलिब्रिटी मिस, मिस्टर, मिस एंड मिसेस इंडिया 2020, और ऑल द बेस्ट सोनाली। थैंक यू सो मच सर। मेरे यहाँ पे तो सबसे पहले ऐसा है कि इस चीज़ से मैं खुद पर्सनली गुजर चुकी हूँ, जब मैंने पेजेंट में आना शुरुआत की थी तो ऐसा कई बार हुआ है कि फिक्सिंग हो जाती थी, और जजेस ने भी आके बैक स्टेज बताया कि आप टॉप 5 में थे लेकिन सिलेक्ट नहीं हुए, तो ये सारी गलत चीज़ें हैं एक्चुअली, जिसको मेरा एक रोकने का मोटिव है। यही सोच से मैं निकली हूँ इस पेजेंट को करने के लिए कि जेन्युइन कंटेस्टेंट ही जीतना चाहिए, आप डिजर्विंग हो तो आप जीतोगे, और हमारे पेजेंट का मेन मोटिव जो है वो रियल फेम विथ रियल अपॉर्चुनिटी है, सीधी बात, रियल फेम, रियल अपॉर्चुनिटी, सीधी बात। इट्स जस्ट कि हमारे जो ज्यूरी इस चीज़ में, जो आने, जो पेजेंट में आने वाला है, हम उसका अनाउंसमेंट भी ऑन मेन डे करने वाले हैं, तो कंटेस्टेंट्स को पता नहीं चलेगा कि ज्यूरी कौन है, तो इस वजह से वो अपना जैक नहीं लगा पाएंगे, तो जो मेन डिजर्विंग रहेगा वही विन होके जाएगा सेलिब्रिटी में। बड़ा तीखा सवाल इसमें आता है सोनाली जी, कि इन सब करने के पीछे आपको फंडिंग की बहुत जरूरत होगी जी, क्योंकि कोई भी इवेंट होता है, कोई भी ऑर्गेनाइज होता है, शो होता है, उसके अंदर बहुत पैसे लगते हैं जी। तो लोग आमतौर पर जो पहले कंटेस्टेंट से ही पैसा लेते थे और उसका करते थे काम जी, आप जब उनसे नहीं कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप फंडिंग के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं? या जैसे कि मैंने बताया कि इस पेजेंट में मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस को इस पेजेंट में लाइन अप कर रही हूँ। अभी तक हमने किसी से भी स्पॉन्सरशिप नहीं ली है, स्पॉन्सरशिप मतलब पैसा जनरली ऐसा लाइन अप किया हुआ है। इस सेलिब्रिटी को सक्सेस करने के पीछे मेरे एसोसिएट्स का बहुत बड़ा योगदान और उनका हाथ रहेगा, जैसे कि डिज़ाइनर, आप एग्जाम्पल ले लो तो डिज़ाइनर से ऑर्गेनाइजर्स पैसे लेते हैं पहले कि आप हमको पैसे पे करो, फिर आपके डिज़ाइंस हम शो पे दिखाएंगे, लेकिन यहाँ हमने वन हैंड ऑफ फ्रेंडशिप ऑफर किया है कि हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे, आप हमारे कंटेस्टेंट्स को अपने ड्रेसेस प्रोवाइड करें। इस तरीके से मेरे कंटेस्टेंट्स को एक डिज़ाइनर वेयर पहनने का मौका मिलेगा और डिज़ाइनर को अपने कपड़ों का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। सो
आपके बगल में बैठी हैं एक और क्राउन विनर मैडम, अपने इंट्रोडक्शन के साथ में जरा बताइए कि आपको क्या लगता है इन सबके लिए इम्पोर्टेंट। जी मेरा नाम सिमरन खंडेलवाल है, मैंने लास्ट मंथ ही मिस इंडिया एशिया पैसिफिक 2019 का क्राउन जीता और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पैजेंट वर्ल्ड में बहुत अच्छा रहा है। लोगों को अक्सर ऐसा लगता है मॉम डैड को कि इसके लिए नहीं जाना चाहिए या फिर ये सिर्फ उन लड़कियों के लिए जो सिर्फ बहुत लुक वाइज अच्छी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करता है, इंटेलिजेंस में इंक्लूडेड होता है। यहाँ पे सोनाली जी जो यहाँ पे करने की कोशिश कर रही है सेलेब्रिटी मिस इंडिया 2020, उसमें वो मिसेज मिस मिस्टर सबको अकाउंट में ले रही ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ग्रोथ का और पता चले कि इसके बाहर भी, लुक्स के बाहर भी और बहुत कुछ है जो मैटर करता है पैजेंट वर्ल्ड में। थैंक यू वेरी मच। आपके बगल में आपसे भी एक ज़्यादा सीनियर और अनुभवी नजर आ रही है, आप मैडम प्लीज अपने इंट्रोडक्शन के साथ में बताइए आप क्या सोचते हैं। मेरा नाम बिलिंडा परेरा है एंड मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नारी एशिया लेवल 2017 के विनर है, मिसेस ग्लैम आइकन 2017 विनर, एक नेशनल अवार्ड भी विन किया है। इट्स नॉट फॉर मेरा ब्यूटी या पेजेंट के लिए नहीं है लेकिन फॉर अ गुड कॉज, आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट और इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। सेलेब्रिटी इंडिया जब मिस सोनाली ने मुझे कॉल किया, वी हैव डन करिश्मा टुगेदर टू, और जब उसने कॉल किया कि बिलिंडा मेरा एक पेजेंट शो है प्लीज़ आप, मैंने सिर्फ पूछा कौन कौन है, ओनली मिस्टर और मिसेस, शी सेड नो इवन क्लासिक। मैं उन लोगों से, उन लेडीज़ के लिए कहना चाहती हूँ जो हमेशा हमेशा सोचते हैं कि मुझे रंग नहीं है, मुझे हाइट नहीं है, आई एम एन एग्जाम्पल, हाइट और रंग नहीं चाहिए फॉर क्लासिक, यू जस्ट नीड कॉन्फिडेंस। एंड आई नो ग्रूमिंग सेशन जो सेलेब्रिटी मिस मिस्टर मिस एंड मिसेस एंड क्लासिक इंडिया 2020 में होने वाला है, वहाँ पे सब कुछ एक फुल पैकेज में है। एंड ऑल द बेस्ट सोनाली, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर आप थाना से इनके साथ जुड़े हुए हैं, आप किस रूप में अपने इंटरेस्ट के साथ बताइए कि आप क्या क्या कर रहे हैं इनके साथ। स्पीक लाउडली स्पीक लाउडली। माय सेल्फ हर्षल नागपुरे, मैं एक लाइव स्ट्रीमिंग ऑपरेशन में से हूँ और ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए आने के लिए कि जो जो कुछ नहीं कर सकते वो इस पे आके अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, जो सोनाली ने सबके सबके लिए कर रही है फिलहाल, और बेस्ट ऑफ लक सोनाली के लिए। सर आप क्या कहेंगे प्लीज अपना डिटेल सर बताइए। मैं तेजस परमार, सोशल वेलफेयर एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट, हमारी संस्था मैडम को इसके लिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि हमारे तरफ से ह्यूमैनिटी और ह्यूमन एम्पावर के लिए बढ़ावा होगा और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जिनका सपना पूरा नहीं हुआ है वो यहाँ पे उनका सपना ज़रूर पूरा हो, इसलिए हम आशा करते हैं सोनाली मैम ऐसे ही कार्य करते रहे। मुकेश अग्रवाली जी, आप एक एक्टर हैं, आपने भी कई इवेंट्स देखे हुए हैं ऐसे, आप इसके बारे में क्या बताएंगे, बताइए। मेरा नाम मुकेश अग्रहरी है, मैं अभी तक 41 फिल्म्स कर चुका हूँ। रिसेंटली मेरी दो फिल्में आई थी, मुंबई होटल एंड मर्दानी 2, अभी मूवी कर रहा हूँ शमशेरा जो कि करण मल्होत्रा जी की मूवी है, एक मूवी कर रहा हूँ साइना नेहवाल जिसके डायरेक्टर अमोल गुप्ते जी हैं, एक मूवी कर रहा हूँ बोरी बोली का ब्रूस ली जिसके डायरेक्टर हैं आशुतोष वारन, एक मूवी कर रहा हूँ कैश जो कि विशेष भट्ट की फिल्म है, बस काम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर आके आज बहुत अच्छा लगा जो कि मैम सोशल कोज के लिए कार्य कर रही हैं और इन्होंने जो कि इन्होंने बोला है कि जितने भी कंटेस्टेंट हैं यहाँ पर आएंगे उनके साथ कोई पार्शलिटी नहीं होगी और वो मतलब उनकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्या होता है जितने भी यूथ होता है, यूथ के अंदर क्या होता है कि उन्हें आगे बढ़ना होता है लेकिन वो मौका नहीं देता, मौका देता है वो आगे जाता है, आगे उनको चांस मिलता भी है, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड थर्ड राउंड क्लियर करता है तो आगे अटक जाता है, क्यों, पार्शलिटी की वजह से। लेकिन जैसा कि मैम की बातों से मुझे पता लगा कि यहाँ पार्शलिटी नहीं होगी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर कि जिसका रियल टैलेंट है वो आगे आ पाएगा। थैंक यू सर, आप बताइए आप कुछ इसके बारे में क्या है। मैं मोहम्मद सलीम शेख, जनरल सेक्रेटरी नेशनल लेवल से हूँ, तेजस परमार के साथ में हूँ, वसई में मैं एक ऑफिस खोला हूँ जो मैडम के लिए और हमारा ऑर्गेनाइजेशन में होएगा, इसके लिए हम गरीबों को हॉस्पिटलाइज के लिए या सब करने के लिए हम काम चालू कर दिए हैं, वैसे ही में हमारा ब्रांच खुल चुका है। मैडम
और फाइनली सोनाली जी वापस आपके पास आते हैं जी, आमतौर पर क्राउन विन करने के बाद कई महिलाएं कहती है कि हम आगे सोशल कॉज में जाएंगे, बच्चों के लिए करेंगे, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते जी, आपने अपना क्या टारगेट रखा हुआ है आगे? सोशल कॉज तो वैसे मैं करती रहती हूँ क्योंकि मैं विदर्भ प्रेसिडेंट हूँ एसोसिएशन ऑफ वेलफेयर एंड ह्यूमन प्रोटेक्शन की, तो जब भी मेरे तरफ मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव टू डू समथिंग तो मैं अपना 100% पोटेंशियल सोशल वर्क में रखती हूँ। कभी भी किसी भी लेडीज़ को या मेरे से जुड़े किसी भी इंसान को कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उन्होंने मेरा नंबर इमरजेंसी करके सेव करके रखा है, उन्हें पता है कोई आएगा नहीं आएगा, मैम ज़रूर आएगी, और मैम नहीं आई तो मैम का सपोर्ट ज़रूर आएगा। तो ऐसी कई स्टोरीज़ भी है जो आगे भी हम दूसरे प्रेस मीट्स में बताएंगे। बाकी मेरा मोटिव ये है कि मैं अपना एक्सपीरियंस पेजेंट का मेरे इस पेजेंट के थ्रू शेयर करूं। मेन मोटिव इज़ दिस कि आई वांट टू इंस्पायर द यूथ विद द करेक्ट डायरेक्शन फॉर द रियल अपॉर्चुनिटीज़। अभी तक मैंने अभी मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी है सेलेरिटी की, अगर आपको फिर भी मुझसे कुछ जानना है तो हमारे पास वेबसाइट है, सोशल मीडिया पे सेलेरिटी इंडिया का पेज है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8805224026। आई एम द डायरेक्ट पर्सन जिससे आप 1-to-1 डिटेल ले सकते हैं या फिर हमारे कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू। मैं सभी रीजनल पैन इंडिया सारे सिटीज से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना ऑडिशन जब भी देना चाहे या पेजेंट के लिए कोई डिटेल्स चाहिए आप फील फ्री टू आस्क मी। मुंबई ऑडिशन हमारा फेब में लाइनअप होगा एंड डेट्स हम ज़रूर अपडेट करेंगे हमारे सोशल पेज पे। एंड देर इज़ नो ग्रूमिंग फीस इन दिस पेजेंट, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय अस, ड्रेसेस, अटायर्स, मेकअप, ब्रांडेड ज्वेलरी फ्रॉम अ ज्वेलर शॉप एंड फोटोशूट, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाई अस। जो एक पेजेंट में करने के लिए हमको चार्जेस पे करने होते हैं, एज अ ऑडिशन देने के लिए भी हमको चार्जेस पे करने होते हैं। सो हमने एक नॉमिनल सा चार्ज रखा है, दैट इज़ अ 1000 रुपीज़ फॉर द रजिस्ट्रेशन। बाकी सारी चीज़ें हमारे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेस्टेंट को मिलेगी। ग्रूमिंग सेशन होने वाला है 3 दिन का, जिसमें एक्सपीरियंस्ड मेंटोर्स हमारे रहेंगे, जैसे नागपुर से हमारे शो डायरेक्टर है कनक भौमिक, ही इज़ अ शो डायरेक्टर प्लस ग्रूमिंग पर्सनैलिटी ग्रूमर। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ है जो ग्रूमिंग देने वाली है। नीलिमा कपूरिया इज़ देयर फ्रॉम नागपुर, सनी सर भी रहेंगे जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे प्रोडक्शंस के लिए। तो बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंस कंटेस्टेंट्स को सीखने को मिलने वाला है, तो इट इज़ नॉट अ अपॉर्चुनिटी, इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसके डिटेल्स ले, और जब भी ऑडिशन रहे मुंबई में तो आई रियली रिक्वेस्ट टू ऑल द अपकमिंग मॉडल्स एंड यूथ टू कम फॉर द ऑडिशन। थैंक यू वेरी मच। यस, एज इस पेजेंट में देर इज़ नो हाइट एंड वेट क्राइटेरिया, बट 18 से हमने इसमें क्राइटेरिया स्टार्ट रखा है। 18 to, इट्स लाइक मिस के लिए 18 to 30 है एंड देन मिसेस के लिए 32, अलग अलग कैटेगरी है 2 टाइप्स की, वन इज़ द रेगुलर एंड अदर वन इज़ द क्लासिक। सो क्लासिक में 40 प्लस की लेडीज़ कम्पीट करेगी एक दूसरे के साथ में, एंड रिसेंटली मैरिड टिल 30 रेगुलर कैटेगरी में कम्पीट करेंगे। एंड मिस्टर के लिए देर इज़ नो कैटेगरी। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जनरली पेजेंट में गर्ल्स क्राउन वेयर करती है, सेलेरिटी इंडिया में हमारा विनर जो होगा मिस्टर कैटेगरी का वो एक किंग क्राउन वेयर करने वाला है। एंड इसमें ऐसा है कि हमने फोकसफुली उस क्राउन को बनाने दिया है कि वो एक किंग क्राउन लगे। जनरली क्राउन का सेशन किंग से स्टार्ट हुआ है पर अभी कंटिन्यू क्वीन ही करती है, तो अभी किंग भी बहुत जल्द आपको दिखेंगे क्राउन के साथ मार्केट में। एक इस पे आखिरी सवाल है जी, आपका टारगेट क्या, कब तक आप इस इवेंट को खत्म करेंगे, मतलब फिनाले तक होने का? हाँ, फिनाले हमारा नागपुर में होगा क्योंकि मैं नागपुर से हूँ और नागपुर में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे विदर्भ अपना पोटेंशियल प्रूव कर सके। सो इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म फॉर नागपुरियंस, और इसका फिनाले हमारा अप्रैल में होगा ताकि जितने भी मिसेज हैं उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो बच्चों की एग्जाम्स के लिए, और यूथ को भी जो आने वाले कंटेस्टेंट्स रहेंगे। तो आफ्टर ऑल द एग्जाम्स हम अप्रैल एंड में इसका फिनाले करेंगे जो कि नागपुर में होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। सेलिब्रिटी मिस मिस्टर और मिसेज इंडिया ब्यूटी पेजेंट है
और इसमें तीन कैटेगरी है, मिस, मिस्टर और मिसेस के लिए। इसमें ग्रूमिंग फीस नहीं है और ये रियल फेम और रियल अपॉर्चुनिटी है। इसमें सिर्फ क्राउन और टाइटल विन करने तक के ही सीमित नहीं रहेगा ये प्लेटफॉर्म। आगे जाके यूथ के और फाइनलिस्ट और जो भी विनर्स रहेंगे उनको डायरेक्ट वर्क अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। एंड इट्स नॉट कि मिलने वाली है, 100% मिलेगी, अशोर्ड मिलेगी, और हम मेन इवेंट पे ही ये सारी चीज़ें प्रूव करेंगे। बट डेफिनेटली इट इज़ अ पेजेंट विथ रियल फेम एंड रियल अपॉर्चुनिटी, सीधी बात। अगर आप इंटरेस्टेड है ब्यूटी पेजेंट में आने के लिए जिसमें ग्रूमिंग फीस नहीं है एंड आपको लगता है कि आपने इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ रैंप की डिटेल नहीं, आपको ओवरऑल पर्सनालिटी के चेंजेस इसमें मिलेंगे। बहुत सारे ग्रूमर्स हैं इसमें जो एक्सपर्ट है और उनसे आपको ट्रेनिंग मिलेगी ग्रूमिंग सेशन के टाइम। अगर आपको लगता है कि आपने इस पेजेंट में आना चाहिए तो मेरा नंबर है 8805224026 और सेलेरिटी इंडिया का पेज है FB पे, इंस्टा पे, हमारी वेबसाइट है goldenevents2020.com, आप उसमें से डिटेल्स ले सकते हैं।